गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम सिमरनजीत कौर। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, इफ यू हैव थैंक यू सो मच। सो ऑलमोस्ट आफ्टर वन ईयर आई एम डूइंग अ व्लॉग एंड दिस व्लॉग इज़ अ लिटिल स्पेशल फॉर मी बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स। सो मैं अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ ट्रिप पे, सो वी आर गोइंग टू ऋषिकेश। सो हम लोग बस से जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि ट्रेन से चलते हैं, ट्रेन हमें ईजी पड़ेगा, बट नो हमें ट्रेन ईजी नहीं पड़ रही थी। उसका यह था कि हम लोग ट्रेन बुक वुक करते हुए हमें महंगी भी पड़ रही थी, हमें बस सस्ती पड़ी है। ट्रेन हमें ऑलमोस्ट 1100 समथिंग की पड़ रही थी और हमें डायरेक्ट ऋषिकेश भी नहीं पहुंचा रही थी, वो पहले हरिद्वार पहुंचाती, उसके बाद हमें वहाँ से एक लोकल ट्रेन लेके फिर हम लोग ऋषिकेश पहुंचते। सो जो हमने बस करी है वो आई थिंक हमें 700 समथिंग की पड़ी है, हमने जिंग बस के ही थ्रू करा था। सो वो 700 समथिंग की हमें पड़ी है। सो वो हमें हम लोग अभी कश्मीरी गेट जा रहे हैं, हम लोग वहीं से हम लोग अपनी बस लेंगे और वो वहाँ से हमें डायरेक्ट नेपाली फार्म पहुँचाएगी और वहाँ से आई थिंक थोड़ी सी ही दूर में ऋषिकेश है, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा वहाँ से। हम लोग सारे कश्मीरी गेट ही मिलेंगे, या तो बस स्टैंड पर मिलेंगे सीधा ही, या तो मेट्रो स्टेशन के वहीं पर हम सब लोग मिलेंगे। सो चलते हैं, मिलवाते हैं हम आप सबको अपने सारे दोस्तों से भी। और सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली वी आर हियर। हेलो ट्रेन छूटती है, हम लोग बस छोड़ने वाले थे, अभी भी यहीं पड़े हमारे बैग, हम लोग भाग भाग के आए हैं स्पेशली मेट्रो की वजह से, हमें लेट हुआ है। अब हम पहुंच के बताएंगे आपको, अब हम जब रुकेंगे बीच में तब हम बताएंगे। मजा नहीं आया, ये बोल दिया, ये बोला है व्लॉग में, ये क्यों बोला है, क्यों तुम कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हो। मैं बताती हूँ, देखो ये बहुत भाग भाग के आए हैं, उसके बाद बस वाले भैया रोक नहीं रहे थे, हमने रिक्वेस्ट करी उनसे, फिर भी ये भाग के नहीं आ रहे थे। लोग सारे एक्टिंग कर रहे थे कि हम राजीव चौक पहुंच गए और पर ये झूठ बोल रहे थे, एक्चुअली हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, हम लोग पहुंच चुके थे, ये नहीं मेट्रो की वजह से हमें लेट हुआ है, वो मेट्रो बहुत स्लो चल रही थी, पाँच मिनट रुक रही थी मेट्रो हर स्टेशन पे, हर स्टेशन में बोला जा रहा था खेद है खेद है खेद है, होते आज इनके लिए मेट्रो भी लेट हो गई। हम लोग पहले भाना करते थे कि मेट्रो रुक रही है, सच में रुकी है पर अब सही में रुक गए। बट फाइनली अब हम लोग बैठ चुके हैं बस में, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 10:14 हो रहे हैं, तो कब तक पहुंचेंगे हम लोग, चार या पाँच बजे तक हम लोग वैसे पहुंच जाएंगे, तो उसके हिसाब से 4 या 5 ही, बीच में भी खाने के लिए कुछ रुकेंगे ना, उसमें तो 1 घंटा तो उसी में लग जाएगा। चलो फिर अब हम आपको रास्ते में मिलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी। अच्छा चुप हो जाओ 2 मिनट। सो गाइज अब हम लोग पहुंच गए, आप आ सकते हो वैसे, नहीं आप आ जाओ। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंचे हम लोग, जगह दो, हम पहुंचे गाजियाबाद एक्सप्रेस वे में। इसको फिट कर लो पहले बीच में, उसके बाद करना। ये मैडम भी आ गई है। सो अब हम लोग पहुंच गए गाजियाबाद एक्सप्रेस वे में और ये भी है। मैं आगे बढ़ूं? नहीं 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 कोई नहीं नहीं मैं भी आगे, हां अभी तो एडजस्ट कर। तो अभी हम लोग खाना खाना शुरू करना, खाना में टाइम अभी अभी लगेगा हमें पहुंचने में, मेरे को तो नींद आ रही है ऑलरेडी, मैंने तो छोले पूड़ी खाई है मस्त मस्त, अब हम ये खाएंगे इडली। ये अभी हम लोगों की ट्रिप स्टार्ट ही नहीं हुई है और एक बंदा डाउन हो चुका है, चेत हो गई एक बंदा चेत हो चुका है। ऑलमोस्ट मेरठ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी स्टॉपिंग पॉइंट, अभी थोड़ी देर के लिए रुकेगी हमारी बस। सो गाइस अब हम लोग थोड़ी देर लाइक आधे घंटे के लिए बस रुकी है बीच में, बस हरिद्वार की तरफ हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी देर आधे घंटे के लिए रुकी है लाइक स्टे के लिए थोड़ी देर, तो पहुंचने वाले ही है बस, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब मैं सीधा आप लोगों को मिलती हूँ। गाइज़
अब हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग बस वगैरह से उतर चुके हैं। सो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे अपने रूम्स तक। तो अभी वहाँ यहाँ से भी हमें आई थिंक एक घंटा लगेगा। देखते हैं कैब वैब से होते हैं, ऑटो वगैरह क्या करते हैं, तो इससे जाते हैं, देखते हैं। तो सीधा आपको मिलते हैं रूम्स। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में। ओशन ऑक्स में हम लोग रुके हैं। सो ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 2800 पर पर्सन समथिंग कुछ लगा है हमारे यहाँ पर। शक्ल बिल्कुल उड़ चुकी है मेरी, सर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब बस में इतनी हमें कोई दिक्कत हुई नहीं वैसे, बट फिर मैं थक गई हूँ, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। बट लेकिन अभी हम लोग जाएंगे गंगा आरती वगैरह के लिए। 6 बजे आई थिंक शुरू हो जाती है और अभी आई थिंक 5:16 और इतना कुछ हुआ है। तो चलते हैं हम लोग गंगा आरती के लिए, देखते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगी, मैंने कभी देखी नहीं है। आई थिंक वो होती है त्रिवेणी घाट समथिंग, कुछ ऐसा ही कुछ नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, देखती उसका नाम क्या था। सो सीधा हम आपको मिलते हैं तैयार। सो गाइस आई एम बैक। सो मैं रेडी तो मैं हो गई थी, बट प्लान में थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है क्योंकि हम लोगों को रूम्स की थोड़ी दिक्कत आ गई थी। एक रूम में 2 रूम्स लिए थे हमने, एक रूम में एसी नहीं चल रहा था, तो उसी की प्रॉब्लम को जो अभी तक हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। सो उसमें ही हमें इतना टाइम लग गया कि रेडी तो हम लोग हो गए हैं बट हमारी गंगा आरती तो मिस ही हो गई है क्योंकि 6 बजे वो स्टार्ट हो जाती है और शोर इतना है यहाँ पे भी। सो गंगा आरती 6 बजे शुरू हो जाती है और 7 बजे तक ख़त्म भी हो जाती है और अभी आई थिंक 7:10 हो चुके हैं पहले ही, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा जाने का उधर। तो अब देखते हैं कि किधर जाते हैं और अब मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि फ़ायदा तो हुआ नहीं कि हम तैयार तो हो गए थे कि हम लोग निकलेंगे बट निकल ही नहीं पाए। सो अब देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ चलते हैं हम लोग। आई थिंक आज जो जो चीज़ हमने कल प्लान कर रखी थी अब वो अभी जाएंगे और जो ये गंगा आरती है वो हम लोग कल अटेंड करेंगे। सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में चेंज करके। हेलो गाइस, सो हम अभी बहुत देर से रूम पे ही बैठे हैं, देखते हैं अब हम कहाँ जाएंगे। अब हम रेडी हो रही थी आराम से और हमें रूम की क्योंकि हमें रूम की भी दिक्कत आ रही थी, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था और ये बहुत टाइम लगा थे लोग और फिर हम कंफ्यूज भी थे कि हम और फिर हम कंफ्यूज भी थे कि हम त्रिवेणी घाट जाए कि कहाँ जाए। इनका चलता रहेगा यही सब हमारा। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, तो हम लोगों ने अपनी स्कूटीज का अरेंजमेंट कर लिया था कि हम लोग उसी से ही जाएंगे। ये 2 पीछे आ रही हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वर्षा? अभी कोई श्योरिटी नहीं, बस अभी निकल गए, कहीं तो जाएंगे ये सोचा है बस हमने। सो अभी हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। आज का हमने सारा दिन पता नहीं वेस्ट करा है कि हम लोगों ने क्या करा है। देखते हैं आप कोई कैफे कैफे जाएंगे या आज का दिन हमारा ट्रैवल में होटल में और इन सब चीज़ों में निकल गया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग दिल्ली मंडे मार्केट सैटरडे मार्केट
बहुत भीड़ है यहाँ। जैसे आज सारे के लोग यहीं आने के लिए वेट कर रहे थे और यहीं पे आके बसने वाले हैं आज बस। हाँ ऐसे लग रहा है कि सब लोग यहीं आके ही बस चुके हैं। तो गॉड आज तो फ्राइडे है, एक तो राम झूला की तरफ जा रहे हैं। आसपास बहुत शोर होगा तो उसके लिए सॉरी, बट क्या अगर शोर होगा तो हमारे ही हॉर्न का होगा, ये भी बता दो। ये हमारा ही हॉर्न का है। हम लोग ये राम झूला की तरफ है, यहाँ की मतलब व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है यहाँ पर और इतना अच्छा व्यू, सब अच्छा है। बट वर्षा व्यू एंजॉय नहीं कर, मैं व्यू एंजॉय नहीं कर पा रही, मुझे एक ड्राइवर की नीड है प्लीज। तो यहाँ पे रश इतना है तो वो इधर उधर देख भी नहीं पा रही है ढंग से। बट यहाँ का सामने नहीं देखा ना, अगर मैंने सामने नहीं देखा तो हम उड़ सकते हैं, पहले ही बताऊँ। हाँ अगर सामने नहीं देखा ना तो कोई ये उड़ा देंगे नहीं। सो गाइस अब हम लोग हैं गोवा वाले बीच पे। तो यहाँ पे ये व्हाइट सैंड है, इसको गोवा बीच ही बोलते हैं। और ये एक्चुअल में सैंड है, बहुत हाँ। सारी सैंड है जो हमारे पैरों के अंदर जा चुकी है। मेरी पैंट गंदी हो चुकी है, साथ में ब्लैक से व्हाइट हो चुकी है हमारी बैली। हाँ। बट यहाँ का व्यू मैं आपको क्या कहूँ, इतना प्यारा लग रहा है, मैं उसको कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, बट बहुत प्यारा लग रहा है। एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते इस फीलिंग को। आ रहे हैं, आए, मजा आ रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है स्कूटी चलाने में, मुझे बहुत मजा आ रहा है। भीड़ पड़ी थी बट लेकिन पता नहीं मजा आ रहा था, उसमें भी मजा आ रहा था हमें, क्योंकि इसको तो सिर्फ बैठना था चलाने, तो मैंने थी हाथ तो मेरा दर्द हो रहा था। मैं तो सिर्फ पीछे बैठी थी, मैं भी एंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन वैसे मजा आया। हवा चल रही थी अच्छा। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हारा डीएल क्लियर हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके, तो तुम यहाँ पे जरूर चलाना। बहुत रश था वैसे यहाँ पे, बट लेकिन वो देख सकते हो पीछे व्यू कितना प्यारा लग रहा है। नल्ली चोर ने हमें जाने ही नहीं दिया। अरे यार क्या है, मेरे जूते गीले हो गए। क्या तुम ये जो चप्पल पहन के गंगा मैया में घुस रहे हो, ऐसे इधर चप्पल लेके नहीं जाते हैं, फिर क्या लेके जाते हैं? अपनी चप्पल को बाहर छोड़कर नंगे पैर तुम जा सकते हो, ये गंगा मैया है तो इसमें चप्पलें लेके नहीं जाते। थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज किया करो तुम लोग। मम्मी बनने के लिए तुम अब माफी मांगो, जाके चप्पल उतार के ऐसे करके माफी मांगो। सॉरी, ओके ठीक है, सॉरी ऐसे, सॉरी सॉरी। मेरे को यहाँ पे कुछ और मिले ना मिले, मुझे मेरी फेवरेट चीज दिख चुकी है, ब्लूबेरी चीज केक है, ब्लूबेरी चीज केक है सबसे इम्पोर्टेंट। वर्षा कुछ और खाना खाए, हम लोग ये चीज खाने वाले, वो भी ले सकते हैं हम, वो ड्रिंक्स जो कि बहुत अच्छे। यहाँ पे हमें ड्रिंक्स ये वाली भी, बेसन सीट्स वाली है, ये भी मिल चुकी है, बेसन सीट्स वाली है, ये रही बेसन सीट्स वाली, ये रही बेसन सीट्स, तो बहुत सारे फ्लेवर है, सारे फ्लेवर से चिल्ला ही पड़े ये लोग। ये कैफे बहुत अच्छा बना हुआ है। सो अब हम लोग फ्रीडम कैफे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा फुल सा तो लग रहा है बट हमें आई थिंक जगह मिल ही जाएगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब देखते हैं इसका खाना वाना कैसा होता है और इसका वो सब प्राइस वगैरह क्या है। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइज अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग है, तो पता नहीं यहाँ पे भी अभी हमारा नंबर आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो, देखते हैं अगर सीट मिलती है तो। जुगाड़ करके सीट हमें मिल गई है। सो अब हम लोग चीज केक खाएंगे, पानी पियेंगे और बाकी खाने पे देखते हैं, कुछ खाए ना खाए हम चीज़ के खाएंगे। सो अब हम लोग ऑर्डर वगैरह करेंगे। अच्छा देखते हैं, बंदी है हमारी, बंदी तुम हो मेरी, थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैं अगर थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शर्म तो आती नहीं ना किसी को, नहीं आती क्योंकि हम बेशरम हैं, सबसे बड़ी बेशरम है सिमरन।
गाइज अब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और आधा खाना पैक भी करा लिया है, तुमसे नहीं खाया गया, बिल्कुल भी नहीं खाया गया। वैसे यहाँ का खाना वगैरह तो अच्छा था पर सर्विस स्लो थी, सर्विस थोड़ी थी उसकी, और जो बंदा था और जो हमें सर्व कर रहा था वो थोड़ा ज्यादा ही वो सड़ा पड़ा था या पता नहीं क्या हो गया था, समझता नहीं आया उसको, वो रो ही पड़ा था उसको था कि मुझे कोई काम मत बोलो, उसको था रेस्ट चाहिए मुझे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो सड़ा हुआ था पूरा। और खाना हमने क्या क्या खाया था, वैसे हमने शाही पनीर थी, दाल मखनी, पास्ता बहुत स्वाद था, चीज केक वाज ओके, आइस टी नॉट ओके, आइस टी थोड़ी सी मीठी थी, मीठी ज्यादा लग रही थी वो। मैं उसके अलावा हमने क्या खाया था, पनीर खाया, दाल मखनी और वो था, पनीर खाना बना तो अच्छा था, वैसे रीजनेबल भी है, बस सर्विस लो इसकी और फुल भी रहता है तो वेटिंग का थोड़ा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, हम लोग गए हैं लेकिन हम अभी भी स्कूटी पे जाएंगे, वापस जाएंगे, अब हम लोग हमारा होगा नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं, और क्या ना, हो ही नहीं सकता, जा रहे हैं, कितना टाइम क्या हो रहा है, क्या करें हां क्या करें बताओ, 10:30 हो गए, 10:34 और एक्स्ट्रा 4 और मिनट एक्स्ट्रा काउंट करो, कहां जाने के लिए, स्कूटी तक, स्कूटी तक जा रहे हैं, ओह माय गॉड गाइस 10 सेकंड्स तक काउंट करो हम पहुंच जाएंगे, जिस हिसाब से चल रहे हो ना 1 मिनट में पहुंचोगे। हाँ सही बात कह रहे हो, वैसे ये गाइस ये बहुत स्लो है, इनका साबुन स्लो है इनकी बहुत स्लो है, वॉक करने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये सुंदर है। हाँ ये इसमें वाला वीडियो में इतनी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है बट लेकिन हमें बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वैसे हमारी कोई दिख सी नहीं रही है, नहीं रही, पैर दिख रहे, पैर देखो अच्छा लग रहा है, टैनिंग कितनी हो गई भाई, अरे बहुत टैनिंग हो गई, बट वी आर इन्जॉइंग, शक्ल बिल्कुल ही नहीं आ रही है, जरा एक सेकेंड मैं देखूँ तेरा क्या हो रहा है, उसमें अब आ रही होगी शक्ल हमारी, अब शक्ल शायद गलती से आ जाए, शायद आ जाए, चलो पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सुकून मिल रहा है, आप हवा इतनी अच्छी चल रही है, हवा और नीचे कर रहा है, और ये पानी चिल्ड है एकदम, मज़ा आ रहा है, मौसम तो ठंडा नहीं है लेकिन पानी का, मौसम ठंडा नहीं है बट ये थोड़ी हवा चल रही है तो मैं अच्छा लग रहा है बहुत, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पानी के साथ जा रही थोड़ी देर में मैं चक्कर खा के गिर सकती हूँ, बट मैं भी सुकून में रह रही हूँ, मुझे तैर नहीं रहूँगी मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, पकड़ नहीं है वर्षा, कोई बात पकड़ नहीं है, रस्सी है ना यहाँ पे, चेन से भी चलना, इसको भी नहीं आता है क्या बचाएगी मुझे, कोई नहीं ख्वाहिशाने बचा लेंगे, अरे वो चले गए, हमारी ट्रिक काम करी, अरे वो लोग चले गए पीछे, हमारे लोग बैठे हुए थे उन्हें भगाने के लिए, हमने क्या किया, हमने थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, वो इरिटेट होके निकल गए, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, हाँ ये टिप आप याद रखना। अब हम लोग वापस आ गए हैं होटल में, हम लोग थोड़ा नीचे ही घूम रहे हैं, यहाँ पे पार्टी चल रही है, चल रहे हैं अभी 11:30 हो रहे हैं, अभी भी हम लोग नीचे ही घूम रहे हैं, हमारे काम ही है घूमने का क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, तो हवा इतनी प्यारी चल रही है ना यहाँ, हवा बहुत प्यारी चल रही है, इस वजह से हमें मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ क्लीन नहीं है यहाँ पे, ये होटल ना मेरे को ना इतना कोई अच्छा नहीं लगा है, ये ओके ओके है, अगर किसी को रुकना हो तो आई सजेस्ट कि मत ही रुकना, सो गाइस मैं गिर जाऊंगी, वर्षा ऑलरेडी इतना थक गए हैं और थक चुके हैं, शक्लें हमारी बता ही रही होंगी आपको, मजा आ रहा अभी भी और एनर्जी बची हुई है पर लेकिन आज का अब बस हो चुका है हमारा, तान्या तो चली गई है चेंज ऑन करने के लिए, सोने में हुई है।
कल क्या करें प्लान करने हमें वैसे हमें कुछ प्लान नहीं करना चाहिए वैसा हमें जो जो हमने प्लान करा वो कुछ भी नहीं हुआ तो है नहीं फायदा भी तो है वो कुछ नहीं होना कुछ भी हमारा प्लानिंग के साथ तो चलता वैसे है भी नहीं जो जो आज हम लोगों ने प्लान कर रखा था वो तो हमने कुछ करा नहीं 6 बजे की गंगा आरती 6 बजे बैठे बैठे हुए कल जाएंगे ना गंगा आरती हम लोग अपने वो रूम का ही हम लोग सॉर्ट कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना जो अभी तक हमारा सॉर्ट नहीं हुआ है वो रूम अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है हमें पता नहीं कि हम सोने कहां वाले हो सकता है बारी बिस्तर लगा दी वैसे हवा तो अच्छी चल रही है अच्छी चल रही है एसी की जरूरत तो है नहीं हमें चल जाएगा गद्दे भी छा लेंगे चलो चेयर पे ही फैल जाते हम सो गाइस आप तो टेबल पे ही सोइए तुम तो टेबल पे ही सोइए सो गाइस अब आज का दिन यहीं पर ही एंड करते हैं अब वैसे भी यस सो वैसे हम लोग थक चुकी हूं मैं बहुत ज्यादा डोंट बोल ले तुम मुझे कुछ मैं तो कुछ बोल ले उसको तो कुछ बोल ले दो अरे सब बोल बोल हां तो अरे ठीक है रैपर ठीक है रैपर आपके चलो हम लोग यहीं पर ही इसको एंड रुक जाओ तो हम लोग चलो यहीं पर ही अब एंड करते हैं तो मैं आपको मिलती हूँ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइक यस लाइक भी कर ही देना प्लीज कर ही दो अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो लाइक भी कर ही वैसे मैंने बहुत टाइम बाद बटन को स्मैश कर दिया वैसे भी हम दोनों न्यू ऐड हुए तो हमारे कहने पे कर दो और क्या वैसे मैंने बहुत टाइम बाद ये ब्लॉगिंग करी है आई डोंट नो एक मुझे कॉल कर दिया करो मैंने वैसे बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग करी है आज तो पता नहीं कैसा बना होगा मेरा ब्लॉग तो कोशिश करना देख लो सब ओके 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 करो 500 से 1 मिलियन कर दो सीधा 1 मिलियन सीधा छोटी मोटी बातचीत नहीं चलो ओके गाइस बाय